हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग में। ये तीसरा एपिसोड है लखनऊ से मुंशियारी की रोड ट्रिप ब्लॉग सीरीज़ का। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम रात में पिथौरागढ़ के अपने होम स्टे पहुँचे थे। लखनऊ से यहाँ तक पहुँचने में हमें लगे थे 11 घंटे। अगर आपने यहाँ तक की एक्साइटिंग जर्नी अभी तक नहीं देखी है तो पिछले एपिसोड देख सकते हैं। पिथौरागढ़ हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है। इसके आगे हम मुंशियारी तक बिरथी में रुकते हुए जाएंगे और लौटते में चौकोड़ी रुकते हुए वापस आना होगा। इस एपिसोड में हम देखेंगे आगे की जर्नी पिथौरागढ़ से बिरथी तक की कल होते हुए। पिथौरागढ़ में घूमने की जगहों में है झूलाघाट, जो कि है नेपाल बॉर्डर, कामाख्या मंदिर, वॉर मेमोरियल, लंदन फोर्ट, मोस्ट मानू टेम्पल, ग्रीन आइलैंड। और जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये सारी जगह एक ही रूट पर पड़ती हैं, चाहे आप झूलाघाट से शुरू करो या ग्रीन आइलैंड से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। कल हम रुके थे कांथापोर्ट होम स्टे में। रात में व्यू पता नहीं चल रहा था यहाँ से, पर सुबह जब देखा तो कुछ ऐसा व्यू था, क्या ही गजब का व्यू है। पीछे की तरफ पहाड़, आगे वैली, जिसमें दूर रोड पे चलती हुई गाड़ियां कितनी छोटी और साफ दिख रही हैं। इस होम स्टे में रुकने की वजह थी पिथौरागढ़ शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर के बीच में रुकना चाहता था, पर यह व्यू तो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत बढ़िया है। इस समय मैं वो होम स्टे की छत पर, और ये व्यू है नीचे से। ये है हमारा होम स्टे। ये हमारे होम स्टे के ओनर कमलेश भाई हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हुए। तो ब्रेकफास्ट के बाद अब चलते हैं आज के सफ़र पे बिरथी थल होते हुए। गाड़ी हमने नीचे ही लगाई थी, तो आगे जहाँ बढ़िया जगह हो वहाँ से यू टर्न लेके आते हैं। ये होम स्टे पिथौरागढ़ से थोड़ा पहले कंथ विलेज में है, इसी से इसका नाम कांथा फोर्ट होम स्टे है। यहाँ पे फूड इतना टेस्टी था, उसका स्वाद अभी तक याद है। व्यू के अलावा फूड और हॉस्पिटैलिटी भी एक कारण है यहाँ रुकने का। गांव से नीचे उतरकर हम फिर से चंपावत पिथौरागढ़ हाईवे पे आ गए। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हुए गुरुना माता का मंदिर है। जो भी इस रास्ते से होकर आता जाता है यहाँ जरूर रुकता है। मंदिर के पीछे वैली का व्यू भी बहुत सुंदर है। Thank you.
यहाँ पे क्या ही एनर्जी और दिव्य माहौल है। हमने भी टीका लगवाया, प्रसाद लिया और चल पड़े अपनी जर्नी पर आगे। फिर से मोड़ पर एक सुंदर मंदिर। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, टनकपुर से पिथौरागढ़ तक बहुत सारे मोड़ों पर मंदिर मिलते हैं, जिसमें से गुरना माता मंदिर सबसे बड़ा है। यह है पिथौरागढ़ शहर। पिथौरागढ़ से मुंशारी तक हम जौलजीबी मदकोट रोड होते हुए भी जा सकते हैं, जैसा कि गूगल मैप बताता है, पर वो रास्ता थोड़ा ज्यादा ही खराब रहता है और मेंटेनेंस भी कम है, तो हमने जाने में भी थल होते हुए जाने को चुना। वैसे अगली बार ट्राई करेंगे जौलजीबी मदकोट होते हुए मुंशियारी जाने का।
पिथौरागढ़ से थल का रास्ता इतना शांत और सुंदर है जैसे जंगल और पहाड़ से होकर आपकी प्राइवेट रोड हो। हर मोड़ में मनोरम दृश्य। यहाँ से थाना जाजर देवाल की सीमा समाप्त और इस पुल को पार करते ही थाना थल की सीमा प्रारंभ। सबसे बढ़िया इन रास्तों के पुल में या रोड के बीच में कहीं भी कभी भी गाड़ी रोक के आप उतर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक तो ना के बराबर है। यहाँ से स्थल 27 किलोमीटर बचा है। शांत रास्तों के बीच से बहुत छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। ऐसे पुल के अंदर से ड्राइव करने का अलग ही मजा है। फिर से मोड़ पर एक सुंदर मंदिर। वैसे हर मंदिर के पीछे वैली व्यू जबरदस्त होता है। अब तो इन सुंदर वादियों में नदी के भी दर्शन हो गए। अब गाड़ी से उतरकर करीब से देखने का इससे बढ़िया जगह कहाँ है। ये रामगंगा नदी है जो अब हमारे साथ साथ चलेगी काफी दूर तक। एक तरफ वैली में नदी और खेत जिसमें मन करे नीचे उतरने को, और दूसरी तरफ पहाड़ पे जंगल जिसमें मन करे ऊपर चढ़ने को। यही तो जादू है पहाड़ों पर।
ये क्या, हम मार्च में जर्नी कर रहे हैं और अभी से इतनी आग लग गई पहाड़ों में? अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी होगी। वैसे चारों अलग अलग तहसील हैं पिथौरागढ़ की। इसके अलावा गंगोली घाट, धारचूला, कनली चीना, देवलथल, गंज गंगोली, बंगा पानी, तेजम और पनखू तहसीलें हैं। बगल में रामगंगा नदी और पास आती जा रही है। ये जो पुल है अल्मोड़ा बागेश्वर और चौकोड़ी से, यहीं से होकर आता है रास्ता। यहाँ से हमारी रोड हो जाएगी स्टेट हाईवे और ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा। ये है मोड़ अल्मोड़ा से आने वालों के लिए। लौटने में मैं यहीं से राइट होकर चौकोड़ी जाना पड़ेगा और यहाँ से थल शुरू, बोले तो थल की बजारा। अब हो चुका है लंच टाइम और इसके लिए थल से बढ़िया जगह क्या होगी। लंच के लिए ये होटल सही दिख रहा है क्योंकि पार्किंग स्पेस बढ़िया है और सोने पे सुहागा ये व्यू। रामगंगा नदी में पानी इतना साफ कि नीचे के पत्थर इतने ऊपर से भी साफ दिख रहे हैं। पिथौरागढ़ से थल 50 किलोमीटर है जिसमें हमें लगे 2.5 घंटे। वैसे इस पेट्रोल पंप पे केवल कैश चलता है, यहाँ से बिरसी तक नेटवर्क का थोड़ा इशू है। जियो आता है
खाना भी ठीक है। खा पी के रेस्ट करके अब निकलते हैं आगे की जर्नी। तो इस एपिसोड में यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे थल से वृद्धि तक की जर्नी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।